हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो मेरा विषय है आपसे बात करने का, वो बहुत ही कॉमन विषय है। व्हाट टू डू आफ्टर 10th एंड 12th। 10वीं और 12वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए? 10वीं और 12वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए? कमन ऑनेस्टली बताना, जो जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, आप लोगों के माइंड में भी क्या आंसर आ रहा है? मैं बताऊंगा आपके माइंड में क्या आंसर आ रहा है अभी। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। हाँ, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। कुछ बोलेंगे मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है। तो आज अगर हम देखें तो हमारे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही तीन चार घिसे पीटे टॉपिक्स और घिसे पीटे प्रोफेशंस हमारे पास आ गए। मतलब मैं किसी प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं हूं, बट जो मेरा वीडियो बनाने का आज का मुद्दा है वो ये है कि जो हमारे रेगुलर प्रोफेशन है टिल फ्रॉम अवर ग्रैंड फादर से, वो इसे लेके अभी तक जो चल रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। जो डेफिनेटली आपको, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप उस डायरेक्शन में जाओगे तो आने वाला जो आपको 5 या 10 साल के बाद जब आप इवेल्युएट करोगे अपने डिसीजन को, तो आपको लगेगा कि आपने एकदम सही फैसला किया है। तो मेरा बेसिकली जो वीडियो बनाने का आज का मेन मुद्दा है वो यही है कि 10वीं और 12वीं के बाद क्या करना, और मेरा जो स्पेसिफिक जो वीडियो रहेगा मैं 10th और 12th के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं ये उनको डेडिकेट करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी का एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट मैं यहां पे बोलना चाहता हूं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो ये एक छोटा सा जो कोट है ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देके जा रहा है। उठ जाओ, जागो और तब तक कंटिन्यू अपना जो वर्कआउट है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, कंटिन्यू रहो वहां पे जब तक आपको जो आपका फाइनल जो टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, आपको अचीव नहीं हो जाता। तो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक क्वेश्चन भी है, हाउ टू नो व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू एंड योर चाइल्ड। आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए, आपके चाइल्ड के लिए सबसे जो बेस्ट चीज है, सबसे जो सर्वोत्तम है वो क्या है? ये क्वेश्चन का जो अगर हम आंसर देखेंगे इस प्रश्न का, बहुत ईजी है और बहुत टफ भी है। अगर आप अपने आप से भी आंसर पुट करो, पूछो अपने आप से क्या आंसर मिलता है आपको इसका, सबसे पहले तो माइंड में 4, 5, 6, 7 ऑप्शन आएंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो कंफ्यूजन। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि हमें कुछ ऐसा माइंडसेट वाला डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर हम खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैं अपने हिसाब से बात करता हूं आपसे, तो अगर मुझे खुद से इन चीजों का आंसर चाहिए तो मुझे एटलीस्ट अपने बारे में कुछ चीजों का पता भी होना चाहिए, तो ही मैं उस चीज का आंसर दे पाऊंगा। चिंता और चिता में सिर्फ न की मात्रा का फर्क है, तो चिंता नहीं करनी, नो वरीज। अभी मैं आपको बताता हूं हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए अपने बारे में। सबसे पहले पर्सनैलिटी, हमें अपना व्यक्तित्व पता होना चाहिए कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, इनर भी और एक्सटर्नल भी, हमें दोनों पर्सनैलिटी का पता रहना चाहिए। देन अगर मैं बात करता हूं कैलिबर की, मेरी क्षमता कितनी है, मैं किस चीज को किस हद तक कर सकता हूं, किस हद तक इस चीज को मैं टॉलरेट कर सकता हूं, मुझे इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं एटलीस्ट अपना जो डिसीजन मेकिंग है वो ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा। मेरे को अपनी फिजिकल हेल्थ का लेवल हमेशा पता होना चाहिए कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, उससे मेरे को एक एडवांटेज रहेगा कि मेरे को जो ऐसा अलग जैसे करियर देखना है, मेरे को अगर मैं करियर की बात करूं तो स्पोर्ट्समैनशिप पे आता हूं, स्पोर्ट्स का करियर, तो अगर मेरे को फिजिकल हेल्थ का अपना पता होगा कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं ये मेरे प्लस पॉइंट है, ये मेरा पॉजिटिव पॉइंट है, तो डेफिनेटली मैं स्पोर्ट्स में भी किसी सेक्टर को चूज कर सकता हूं। देन मुझे अपना इम्प्रोवाइजेशन पता होना चाहिए कि अगर हाँ मुझे पता लग गया मेरी पर्सनैलिटी का ये वीक पॉइंट है, मुझे पता लग गया कि हाँ मेरा कैलिबर है जो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम है या मेरे को थोड़ा इम्प्रूव करना है इसको, जब मेरे को ये सब चीजें पता लग गई तो मेरा फाइनल काम क्या है, इन चीजों को इम्प्रूव करना। सो दोस्तों, आप सभी लोग सबसे पहले कंसीव, बिलीव, अचीव, सबसे पहले सोचो, विश्वास करो अपने आप पे और उस चीज को प्राप्त करो, तो आपको कोई भी उस चीज से रोक नहीं सकता। तो अभी मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि हम यहाँ पे मुंबई में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जिसका जो सेमिनार का जो मेन मोटिव है वो यही है जिसपे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th एंड 12th, हमें 10th और 12th के बाद क्या क्या करना चाहिए। सेमिनार्स में बहुत सारी एक्टिविटीज होगी जैसे पर्सनैलिटी एंड करियर एप्टीट्यूड टेस्ट, तो यहाँ पे आपका एक रिटन टेस्ट होगा, कुछ 30 मिनट का एक टेस्ट सेशन होगा जहां पे आपसे जनरल बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जो आंसर्स होंगे उसके बिहाव पे हम आपको आपका पर्सनैलिटी का एनालिसिस रिपोर्ट देंगे कि आपके लिए क्या चीज पॉजिटिव है, क्या चीज नेगेटिव है आपकी पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से।
देन कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग का एक सेशन होगा। हमारी कम्युनिकेशन हमें बहुत हेल्प करती है हमारी पर्सनल ग्रोथ में भी और हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ में भी। देन गाइडेंस फॉर एस्पायरिंग लायर और गाइडेंस फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स। तो एएसआई जो इंस्टीट्यूट है इसका बहुत एक्सपीरियंस्ड इंस्टीट्यूट है, मतलब मैं मुंबई में पिछले 15 साल से आईएएस के जो स्टूडेंट्स है सिविल सर्विस वाले जो लॉयर्स है उनको क्लासेस दे रही है। तो जो स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड है जिनको इस अपना सिविल सर्विस सेक्टर में या अपना जो लॉयर बनना चाहते हैं उनके लिए जो उनके लिए भी ये जो सेमिनार है बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर मैं सेल्फ डिफेंस और स्पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे जो कुछ सेशन होंगे जुडो और अपना सेल्फ डिफेंस पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में जो फर्स्ट वुमन रेसलर है दैट इज हेतल दवे, वो यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगी जुडो और सेल्फ डिफेंस के सेक्शन के लिए। तो मैम अपनी जो जर्नी है वो आप सबसे डिस्कस करेंगी कि कैसे मतलब एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में और जो एक ऐसा स्पोर्ट्स है जहां पे हमारा इंडियन सोसाइटी अलाउ नहीं करती कि एक फीमेल ज्वाइन करे, बट स्टिल उन्होंने उस स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया और वहां पे काफी बुलंदियों तक गए उसके। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिसमें आपको थोड़ा एक आइडिया होगा कि किस स्पोर्ट्स में क्या क्या मतलब आपको। और सेल्फ डिफेंस की बात करता हूँ तो सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मतलब इंडिया में अगर देखते हैं तो इंडिया के पूरे वर्ल्ड वाइड बात करूं तो मतलब क्राइम का रेट थोड़ा इंक्रीज हो रहा है अभी के टाइम पे। हम जैसे न्यूज में देखते हैं कि इवन कि मतलब हमारे होम हमारे स्कूल्स हमारे जो ये रोड्स वगैरह बच्चों और मतलब स्पेशली फीमेल चाइल्ड या मतलब गर्ल्स के लिए थोड़े अनसेफ हो चुके हैं। ऐसा मतलब हम डिनाई नहीं करते कर सकते इस चीज को, अगर हम देखेंगे तो ये चीज फैक्ट है। तो सेल्फ डिफेंस में आपको क्या एडवांटेज रहता है कि आपको एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता रहता है कि अगर आपको कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़े तो एटलीस्ट आप उसे काउंटर अटैक कर सको। देन फाइनली हमारा योगा और जुम्बा पे सेशन होगा। और देखते हैं आपकी योगा तो अभी वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हो चुका है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मतलब योगा हमारी इज ए पार्ट ऑफ अवर इंडियन सिविलाइजेशन, बट अभी योगा को पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जा चुका है और इवन की हम योगा इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें आपको योगा के जो कुछ आसन है वो बताए जाएंगे आपको, जो बच्चे अगर योगा करना चाहते हैं अभी क्या कि एग्जाम आपके ओवर हो चुके हैं आप समर वेकेशन में आके यहाँ पे योगा कर सकते हो, यहाँ पे योगा क्लासेस रहेगा आपके लिए। एंड देन जुम्बा, जुम्बा देखो तो वही वेट लॉस के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, फन लविंग है, आप डांस के साथ साथ में थोड़ा आपको एडिशनल आपको एडवांटेज मिल जाता है, आपको वेट भी लॉस होता है। तो अगर कोई अपनी बॉडी को एकदम फिट रखना चाहता है तो जुम्बा उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये जो वेन्यू है जो इंस्टीट्यूट का जो एड्रेस है इसका डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सब दे दूंगा, आप देख सकते हो। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन सब जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा रिगार्डिंग इस सेमिनार के आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप जो कंसर्न पर्सन है उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। देन अगर देखो कि हाउ टू फाइंड योर फ्यूचर, तो सबसे पहले कुछ तीन चार बेसिक चीजें होती है जैसे व्हाट यू लव, आपको क्या चीज प्यारी है, आपको क्या चीज करना है। डजंट मैटर आप मतलब अमीर हो गरीब हो आप कैसे भी हो आप किस चीज में अच्छे हो किस चीज में बुरे हो, उन सबका हमारा जो टारगेट क्या है कि चीज का कि हमें विनर बनना है, हमें अपने अंदर जो विनर अप्रोच है वो क्रिएट करनी है। वो आप खुद से भी करोगे और मतलब जो हमारे मेंटर्स है यहाँ पे वो आपको एटलीस्ट मैं इतना आपको यहाँ पे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर आप ये सेशन अटेंड करोगे ना तो आपको बहुत सारे जो अनसॉल्व्ड आपके जो क्वेश्चन थे ना जिसको आप अभी तक आंसर नहीं कर पा रहे थे सिंपल क्वेश्चन का भी आप ऐसे थे कि क्यों क्या मतलब ऐसा आपको डाउट था, बट इन द एंड ऑफ द डे जब आप ये सेशन अटेंड करके बाहर आओगे आप में एक पॉजिटिव अप्रोच होगा और आपको बहुत सारे जो आंसर थे वो मिल चुके होंगे। देन अगर मैं डिस्कस करता हूँ आपसे कि यहाँ पे क्या क्या बताया जाएगा, मैंने आपको जैसे मेंशन किया कम्युनिकेशन स्किल यूपीएससी सिविल सर्विस एंड ऑल जुडो कराटे गाइडेंस सेशन तो एवरीथिंग। फाइनली अगर मैं बताता हूँ आपको कि जो आपको अगर देखने की इवेंट का डिटेल्स क्या क्या है आपकी स्क्रीन पे मैंने डिस्प्ले कर दिया, आप देख सकते हो कि क्या क्या इवेंट का क्या क्या टाइमिंग रहेगा। और मैं सबको बता देता हूँ कि हम इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे, इवन कि जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको हम एक सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो देंगे ही देंगे। उसके अलावा जो जो हमारे जो स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे जो जो अपनी अपनी इवेंट में जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको हम एक ट्रॉफीज और बहुत सारे अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं जो मिलेंगे यहाँ पे। तो आप चाहो तो ये पूरा का पूरा फुल डे का सेशन अटेंड कर सकते हो, आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर सेशन में आके भी बैठ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इवेंट का जो टाइमिंग रहेगा वो 10 AM टू लिखा या 4:40 मतलब 5 PM तक चलेगा, फुल डे का इवेंट रहेगा ये हमारा। और इवेंट का जो टाइमिंग है 31st of March एंड 7th April 2019। तो बेसिकली आप अपने कैलेंडर पे ये डेट मार्क कर लो, अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो आप इसे ऐड टू कैलेंडर भी कर सकते हो। जो जो लोग इस इवेंट के लिए इंटरेस्टेड है रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ
इंस्टीट्यूट इसके लिए आपसे कुछ भी कोई चीज चार्जेस नहीं कर रहा है, ये एक कॉमन इवेंट है जिसपे आपको आपका सिर्फ करियर का क्या अप्रोच है उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है। तो दोस्तों, सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो है जो हमें नींद नहीं आने देते। तो फाइनली मैं आप सभी को बोलता हूँ कि सोशल मीडिया पे यंग गाइस को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल्स को। यहाँ पे आपको बहुत सारे डेली पे लाइव सेशंस मिलेंगे आपको, जहाँ पे फैकल्टीज आपको लाइव क्वेश्चन आंसर देंगे। तो बेसिकली अगर आप 10-12 के बाद किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों मित्रों अपना बहुमूल्य टाइम देने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।